हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अरबी पत्ते की बहुत ही चटपटी सी रेसिपी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको जो पुराने ज़माने में बनाए जाते थे इसकी रेसिपी, उसी तरीके की रेसिपी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से धो के साफ़ कर ली हूँ, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी कीड़ा रहता है चिपका हुआ, तो ध्यान से देखिएगा। और इसे आधा घंटा के लिए डाल दी थी धूप में, जिससे कि पत्ता हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर ले रही हूँ बर्तन में चना का बेसन, और साथ ही मैं डाली हूँ इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। आपके पास जो बेसन है आप डाल सकते हैं। और इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची और हल्दी, गरम मसाला। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्ची डाली और ये है गरम मसाला, और पहले हल्दी का पाउडर डाली थी। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें एक चम्मच डाल दी आमचूर पाउडर, क्योंकि जब भी अरबी का कोई भी रेसिपी हम लोग बनाते हैं तो उसमें खट्टा ज़रूर डाला जाता है। तो आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो आप नींबू डाल दीजिएगा। और यहाँ पर है अदरक लहसुन का पेस्ट किया हुआ है, और साथ ही मैं दो प्याज भी पीस के ले ली हूँ। तो इसका भी मैं डाल देती हूँ 1 से 2 चम्मच इस बेसन के साथ ही। वीडियो बहुत अच्छा है तो पूरा देखिएगा, और पसंद आएगा तो आप भी इस तरीके से रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए बेसन को थोड़ा गाढ़ा ही घोल तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का घोल तैयार कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो यहाँ पर पत्ते ले ली हूँ, एक अरबी के पत्ते को उल्टे के तरफ को ऊपर रखना और सीधे के तरफ को नीचे रखना है। और इसमें इस तरीके से बेसन को अच्छे से लगाते हुए चारों तरफ फैला लेना है। तो पतला पतला सा ही लेयर आपको लगाना है, लेकिन चारों तरफ अच्छे से लगाइएगा। और इसके ऊपर से एक एक करके पत्ते को सेट करते जाना है, उसके ऊपर से बेसन को लगाते जाना है। तो आप छोटा बड़ा जैसा भी पत्ता साइज साइज से लगाइएगा, जिससे कि ये चारों तरफ से बराबर हो, कहीं मोटा कहीं पतला ना हो जाते। जैसे मैं बिछा रही हूँ आप देख पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से अच्छे से पत्ते में बेसन लग चुका है, और इसे थोड़ा सा मोटा कर ली हूँ। अब यहाँ से साइड से इसे मोड़ देना है, चारों तरफ से पहले किनारे को अंदर की ओर मोड़ लेना है अच्छे से। और आपके पास पत्ता बड़ा है या छोटा है तो आप उस अनुसार से इसमें डालिएगा पत्ता। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। पतला हो जाता है तो छोटा छोटा सा बनता है इसका सब्जी, और मोटा हो जाता है तो वो थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है। तो आप जैसा बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा, आपके पास कितना पत्ता है आप उसके अनुसार से काम कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब अच्छे से इसे दबाते हुए कड़े हाथों से, बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना है आपको, दबाते हुए इसका रोल बनाना है। तो कुछ इस तरीके से दबाते हुए आप बनाइएगा, और बीच में इस तरह से मोड़ने से पत्ता फूल जाता है तो आप इसे दबा दीजिएगा इस तरीके से, जिससे इसमें जो हवा भरा है वो निकल जाए, और इसका एकदम अच्छा सा रोल बन के तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से इसे मोड़ ली हूँ। अब इसके ऊपर से धागा लगा देना है, और धागा लगा के चारों तरफ से आपको अच्छे से इसे लपेट देना है, जिससे कि ये खुले ना। बाद में इस धागे को कट करके आप हटा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अरबी का रोल बनके तैयार हो चुका है। देखिए बहुत अच्छा सा है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ले ली हूँ कढ़ाई में पानी 1 ग्लास के करीब, इसमें डाल दी हूँ स्टैंड। स्टैंड पे आप कोई भी जाली डाल सकते हैं, मेरे पास यही है तो मैं यही डालूँगी। इसके ऊपर से डाल देना है इस रोल को। तो रोल का साइज थोड़ा बड़ा है, देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसे मोड़ दी हूँ। अब ढक्कन लगा के 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर कुक होने देना है, यानी स्टीम करना है इसे, जिससे कि भाप पे अच्छे से पक के ये तैयार हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो चुका है, अब चलिए चेक कर लिया जाए। देखिए जैसे ये पकेगा तो ये फूल जाता है ऊपर की ओर, इसका यही बहुत पहचान करने का सही तरीका है, ये फूल जाएगा। तो ये सॉफ्ट हो चुका है, अब इसे निकाल लेती हूँ पानी से बाहर, और बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक ये ठंडा होगा तब तक चलिए इसका मसाला तैयार कर लिया जाए, क्योंकि गरम गरम में इसे कट नहीं कीजिएगा, इसका शेप अच्छा से नहीं आता है। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में डालनी हूँ तेल।
तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच के करीब सरसों का दाना। आप चाहें सरसों डालना चाहते हैं सरसों डालिए, जीरा डालना चाहते हैं जीरा डालिए, लेकिन यहाँ पर मैं सरसों ही डाली हूँ। सरसों हमारा अच्छा से हो चुका है, अब डाल दे रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को थोड़ा सा भुनना है गुलाबी होने तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है, तो प्याज को पीस के भी ली हूँ और प्याज कट करके भी डाली हूँ। प्याज पीस के डालने से क्या होता है, इसका ग्रेवी गाढ़ा बनता है और टेस्टी भी बनता है। अब इसमें डाल देना है बाकी का मसाला। तो यहाँ पर डाली एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और यहाँ पर अच्छे से इसे भी भून लूंगी मसाले को। अब जाएगा इसमें धनिया जीरा का पाउडर एक चम्मच। अरबी का सब्जी जब भी आप बना रहे हो तो मसाले में कंजूसी ना करें, मसाला जितना अच्छा से डालिएगा उतना अच्छा चटपटा सा ये रेसिपी बनता है। और ये डाली हूँ एक चम्मच गरम मसाला, और फ्रेंड्स इसमें खट्टा भी डाला जाएगा लेकिन अभी नहीं, अभी इसमें डाल देती हूँ एक चम्मच के करीब बेसन। जब मसाला हमारा भून चुका है, थोड़ा सा भूनना बाकी है, तो इसमें बेसन डाल के और अच्छे से मसाले के साथ बेसन को भी भून लूँगी, जिससे कि बेसन का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें डाल देना है ग्रेवी के लिए पानी, तो पहले थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि मसाले में कोई भी गुठली ना बचे। अब इसमें और भी ग्रेवी के लिए पानी डाल देती हूँ, तो आप इसके इसे रोटी के लिए बना रहे हैं या चावल के लिए बना रहे हैं तो उस अनुसार से आप डाल लीजिएगा ग्रेवी। लेकिन बेसन इसमें डाला है तो ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, बाद में कम हो जाएगा। अब इसमें डालती हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें ढक्कन लगा के उबलने देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अरबी का रोल जो है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें जो धागा लगा हुआ था उसे अच्छे से निकाल देना है, कहीं से भी आप कट कर लें और आराम से निकल जाता है। तो इस तरीके से अच्छे से इसका धागा हटा दी हूँ। अब इसका पीसेस कर लेना है, तो बहुत ज़्यादा आप पतला मत कीजिएगा, एक इंची के मोटाई में इसका टुकड़ा कर लेना है, एकदम गोल गोल बहुत अच्छा से कट के आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे अरबी के रोल को इसी तरीके से कट कर लेना है, देखिए कितना अच्छा है। तो चलिए सारे को कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारा कट के तैयार हो चुका है, अब चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर पैन में थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए, और सारे इस अरबी का जो ये चक्का है गोल गोल सा, इसे अच्छे से फ्राई करना है दोनों तरफ से। तो चलिए इसे भी अच्छे से अलट पलट करते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, जब तक हमारा ग्रेवी भी पक रहा है उधर और इधर ये फ्राई भी हो जाएगा, तो इससे आपके समय की बचत होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से हो गया है, कुछ इस तरीके का करना है, और दूसरे तरफ से आप पलट के उधर से भी अच्छे से सेक लेती हूँ। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना ग्रेवी में डाले हुए भी, दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट कुछ अलग लेवल पर रहता है। अरबी के पत्ते में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों को तो बहुत पसंद है, इसका कोई भी रेसिपी हो बहुत ज़्यादा पसंद है। यदि आप अरबी पत्ता का रोटी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं अरबी पत्ते का रोटी कैसे बनाया जाता है, और आप उस रेसिपी को भी बना सकते हैं। तो ग्रेवी अच्छे से उबल चुका है, अब इसमें डाल देने हैं सारे अरबी के पीसेस को। तो फ्रेंड्स आप अरबी के पत्ते को साल भर स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी तरीका मैं अपलोड की हुई हूँ अपने चैनल पर, तो आप चाहें तो वो भी रेसिपी देख सकते हैं। और अभी बरसात का समय है तो बहुत अच्छा ये पत्ता मिलता है, तो आप चाहें तो अभी के समय में इसे स्टोर कर लीजिए, और जब नहीं मिलता है और आपको खाने का मन करे तो आप उसका सब्जी बना के खा सकते हैं। अब ढक्कन लगा के 5 मिनट तक अच्छे से उबाल ली हूँ, तो देख पा रहे हैं ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और सारा जो ये इसमें डला हुआ है सब्जी वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब लास्ट में इसमें डालना है कुछ भी खट्टा, तो मैं अमचूर पाउडर ही डाल रही हूँ, आपके पास है तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप नींबू का रस डाल दीजिएगा, लेकिन लास्ट में ही डालिएगा जब सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब। अब डाल देती हूँ थोड़ा धनिया की पत्ती, और फ्रेंड्स बनके तैयार है यहाँ अरबी पत्ते की बहुत ही चटपटी
रेसिपी यानी सब्जी। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा खा के, और बना के ज़रूर खाइएगा फ्रेंड्स इस तरीके से। और पहले से भी जानते होंगे तो भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा हमारा सब्जी बना है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।